दोस्तों, तनुजा बुटीक में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करिए रेड कलर के बटन को टच करके और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज मैं आपको बन गले की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे 12 इंच लंबाई में और 8.5 इंच चौड़ाई में। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसमें 5 इंच पर हमें निशान लगाना होगा। 3 इंच हमारा गला तैयार रह जाएगा। 5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 5 इंच पर यहाँ पर लगा लेंगे और गले की लंबाई के हिसाब से मैं यहाँ पर 7 इंच लूँगा, तो आपको 7.5 इंच पर निशान लगाना होगा। ये देख सकते हैं आप, 7.5 इंच पर हमने एक नीचे चौक का निशान लगा लिया। अब इसको हम सीधा खींच लेंगे और इसमें हम जो जनरली हम गोल गला बनाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर गोलाई में शेप देंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा जो हम रखेंगे वो 1 इंच मार्जिन पे हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें, अगर हमारा प्रेस्टिंग वाला है तो हम इसमें प्रेस कर लेंगे या हम इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगाऊंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद में जो कपड़ा दिख रहा है आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के इसमें अटैच कर लेंगे। हम सीधे इससे साइड इसको गले को रखेंगे और बीच सेंटर में निशान लगाते हुए यहाँ पर हम जिस तरह से हम गले बनाते हैं उसी तरीके से हमको इसमें सिलना है। इसमें और कुछ दूसरा तरीका नहीं है, जिस तरह से हम गला बनाते हैं इसको उस तरीके से ही बनाना है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच की दूरी पे कच्ची सिलाई लगाना है। अब इसके अंदर हम बाद में एक सिलाई लगा सकते हैं, अभी हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हमें एक पेपर लेना है। पेपर को इस तरह से रखना है और जो हमारा गले की जो हमने चौड़ाई ली थी 10 इंच, उस तरह से रखते हुए इसको बराबर 1 इंच पर जो अभी हमने सिलाई लगाई है इसको भी 1 इंच पर हमें सिलाई लगा लेना है। ये 1 इंच पर हमें इसलिए लगाया है, आपको मैं बताऊंगा अभी जो हम इसमें डोरी लगाएंगे कि वो किस लिए लगाया है, अभी आपको बताएंगे। ये हमारा 10 इंच पर तैयार हो गया है। इस तरह से पेपर को भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ये हमारा 5 इंच का जो दिख रहा है आपको, ये 5 इंच का है लेकिन हमें 3 इंच पर गला तैयार करना है। आप चाहो तो आपके मेजरमेंट के हिसाब से इसको 2.5 इंच 2.5 इंच पर ले सकते हैं। अब मुझे यहाँ 4 इंच पर लगाया है, 3.5 इंच का हमें गला तैयार रखना है। इसको भी हम गोल शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमें 20 सेंटर पर इसके जो दिख रहा है आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है और हमें यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे 1.5 इंच पर हमें इसमें निशान लगाना है। जो हम इसमें डोरी लगाएंगे वो 1.5 इंच पे हमें यहाँ पर लगाना है। इसी तरह से हमें उस उधर साइड में भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद में जो ऊपर का हमने पेपर वाला कटिंग करा है वहाँ पर हम 1.5 इंच का आधा 0.75 पर हम निशान
लगा लेंगे। अब इसको जो हमने निशान लगाया है, सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे। सीधे कपड़ा लेना है हमें और यहाँ पर मैंने इसमें 1.25 इंच पर पट्टी डोरी बनाने के लिए काट ली है। इसको हम पाइपिंग तरह उलट भी सकते हैं और जो हम जिस तरह से नाड़ी बनाते हैं उसी तरह से हम इसको भी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल एक जैसी बनना चाहिए ताकि वो बनने के बाद एक जैसी अच्छी लगे। अब इसके बाद में मैंने इसमें ये वाली आप देख सकते हैं लेस लगाई है। हम इसके अंदर इसको पूरी डोरी में ही अटैच कर लेंगे ताकि हमें बाद में ना लगाना पड़े। पतली वाली लेस आप लगा सकते हो या इसकी जगह आप गोटा पत्ती भी लगा सकते हो। अब इसको हम इस तरह से जो निशान लगाया था और जो हमने 1 इंच जो रखा हुआ था उसके अंदर लगाने के बाद में हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है और कट करते जाना है। जो हमने ये रखी थी वो इसीलिए रखी थी ताकि हम इसको अंदर लगाने के बाद में कट कर सकें। ये हमारी डोरी जो दिख रही है आपको देख सकते हो वो अंदर चली जाएगी। इस तरह से हमें बराबर करते लगाते लगाते हुए इसको कट कर लेना है। इसके बाद में जो हमने वहाँ पर निशान लगाया था 1.5 इंच के आधे पर जो हमने निशान लगाया था 0.75 पर, उसी निशानों पर लगाते हुए इसमें पूरे में हमें सिलाई लगा लेना है। गला अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में हमें एक उरे पट्टी लेना है 1.5 इंच की। मैंने उरे पट्टी ली हुई है जिसे हमें ऊपर लगाना है गले में। ये उरे भी लेना है आपको और इसको इस एक साइड से हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, आप इस तरह से हमें गले में लगाते हुए पूरे में लगा देना है। हमें इसमें आधे इंच पे ही लेना है सिलाई। इसको हम थोड़ा अंदर कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला जो है पलटने में फिनिशिंग से आ जाए। इस तरह से हमें इसको पलट लेना है और यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से लगाते हुए इसमें हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब हमें जो पेपर दिख रहा है हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा अब कुछ काम का नहीं है। पेपर को निकालने के बाद हम इसमें एक जो हमने लगाई है इसी तरह से हमें इसमें एक और बाहर से गोलाई इसमें लगा लेना है। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।